नित्यानंद राय की जिस तरीके से अत्याधुनिक हथियार AK-47 से 400 राउंड गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया था, 16 साल बाद आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया जिसमें साफ तौर पर मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को दोषी करार दिया गया है। मुख्तार अंसारी की बात करें तो साल की सजा और 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। वहीं अफजाल अंसारी की बात करें तो अफजाल अंसारी पर 1 लाख का जुर्माना लगाने के साथ साथ 4 साल की सजा सुनाई है। ऐसे में अफजाल अंसारी की सांसदी जाना लगभग तय हो गई है। अब देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी इस पूरे प्रकरण में किस तरीके से स्टैंड लेती हुई नजर आ। कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक का एक बार मुख्तार अंसारी पर आया बड़ा बयान। वही कन्नौज सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि मुख्तार अंसारी को जहां बीजेपी सरकार में न्यायालय द्वारा 10 वर्ष की सजा दी गई है, यह सराहनीय है। वही उन्होंने कहा इससे पहले माफिया जो कि अगर न्यायालय में भी उनका मामला पहुंचता था तो न्यायालय भी अपना निर्णय बदल देता था, वहीं गवाह भी अपनी गवाही बदल देते थे। वहीं जब बीजेपी सरकार आई तो उनकी कमर तोड़ने का काम किया गया है। साथ ही न्यायालय भी ने भी अब इन माफियाओं को सजा सुनानी कर दी गई है। वहीं अब बीजेपी सरकार में इन माफियाओं पर कार्रवाई और उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है। यह बिल्कुल सराहनीय कार्य है क्योंकि बीजेपी सरकार है तभी संभव है। ऐसे में सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि ऐसे माफियाओं पर अब किसी प्रकार से रियायत नहीं बरती। निकाय कराड़ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ताबड़तोड़ जनसभाओं को किया संबोधित। आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ नगर निकाय रण को लेकर के वह तत्परता दिखाते हुए जनसभा को संबोधित करते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि गोरखपुर की जिले की बात की जाए तो गोरखपुर जिले के 11 नगर पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी का इस बार परचम लहराने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी भी आज पहुंचे थे गोरखपुर के बड़हलगंज में, जहां पर प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। ब्रिजलाल खाबरी का कहना है कि जिस तरह से आवाज़ उठाने वालों पर आवाज़ दबाने का काम किया जा रहा है, वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जब उनसे कहा गया कि आखिरकार क्लीन स्वीप भाजपा करने जा रही है इस समय, तो कह रहे हैं कि खुद भाजपा क्लीन स्वीप निकाय चुनाव को लेकर अपने पार्टी के उम्मीदवारों को विजयी बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार जनपदों में जाकर रैलियां कर रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसकी कमान संभाले हुए हैं और जनपद जनपद जाके भ्रमण करने के उपरांत वह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताने के लिए आम जनता से अपील भी कर रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुशीनगर जनपद के पटौना स्थित उदित नारायण डिग्री कॉलेज के मैदान में एक जनसभा को संबोधित किया। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के 13 उम्मीदवारों के पक्ष में आम जनता से वोट देने की भी अपील की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार जन कल्याणकारी योजना चलाकर आम जनता तक पहुंचा रही है जिससे आम जनता को भला हो सके। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इसके पूर्ववर्ती जो भी सरकारें रही हैं सब आम जनता को ठगने का काम किया है। हमारी जनता चाहे शौचालय हो या फिर महिलाओं की सुरक्षा की बात हो, इसके अलावा जो भी योजना है सब योजना धरातल पर चल रही है और इसको लेके आम जनता खुश है। अब हमें ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने की आवश्यकता है। जिस तरह से प्रदेश में और देश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसी तरह से नगर पंचायत और नगर पालिका में भी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाया जाएगा जिसके वजह से आम जनता का भला होगा और साथ ही विकास की कड़ी में ट्रिपल इंजन की सरकार आने से एक और कड़ी आगे बढ़ेगी। यूपी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी आज झांसी पहुंचे हैं और झांसी उन्होंने पहुंचकर कार्यकर्ताओं में जोश भरा है। लगातार जो चुनाव है नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो लगातार झांसी की ओर अपना रुख किए हुए हैं। पूरे बुंदेलखंड में एक जो मेयर की सीट है झांसी में, वहाँ पर कहीं ना कहीं इस बार भी बीजेपी हैट्रिक लगाने के मूड में है। वहीं आपको बता दें कि झांसी में कुछ कार्यकर्ताओं को टिकट ना होने पर वह नाराज़ थे, जिसको लेकर आज यहाँ पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी झांसी पहुँचे, जहाँ उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाया और साथ ही जो अन्य दलों के साथ प्रचार प्रसार कर रहे उन नेताओं को कड़ी नसीहत देकर बताया है कि अगर वह अन्य दलों के साथ जाते दिखाई दिए या फिर वोट या अन्य कोई सामग्री बांटते हुए दिखाई पाए जाते हैं तो आने वाले समय में संगठन उन पर कड़ी कार्रवाई करेगा। नगर निकाय चुनाव अब आखिरी पड़ाव पर है और लगातार बीजेपी के
जो प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में वोट मांगने की अपील, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी हो, और आज जो दौरा लगा था जिसमें डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहां पहुंचे थे, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि डबल इंजन की सरकार के साथ तीसरा इंजन जुड़ने जा रहा है। नगर निकाय के चुनाव में जो भी सीटें हैं वो हम पूरे प्रदेश से जीत रहे हैं, और जीत के साथ ही उनने ये साफ तौर पर कहा कि चारों ओर कमल खिल रहा है, कमल खिलेगा विकास होगा, ये कितना विकास होगा ये तो आने वाला समय तय करेगा। फिलहाल जो रायबरेली की स्थिति है तो रायबरेली को एक प्रमुख केंद्र इसलिए बनाया गया है कि यहाँ से सांसद सोनिया गांधी हैं, और अमेठी का किला ध्वस्त करने के बाद अब तैयारी रायबरेली की है, तो रायबरेली का किला ध्वस्त होगा और 2024 की किस तरह की तैयारी है ये बीजेपी साबित करना चाहती है, और 13 तारीख को सभी देखेंगे कि ये तैयारी में कितनी कील ठूक पा रही। निकाय चुनाव का आगाज हो चुका है जिसमें प्रथम चरण के मतदान में 4 मई को होना है, उसी में उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम गाइडलाइनों का पालन भी किया जा रहा है। वहीं आगरा के एडिशनल कमिश्नर केशव चौधरी ने खेरागढ़ और जगनेर के तमाम बूथों का बॉर्डरों का जायजा लिया, जिस पर जहां बूथ बनाए गए हैं वहां तमाम चीज़ों को जायजा लिया, किस तरह के चाहे वो क्रिटिकल बूथ हों चाहे अति संवेदन बूथ हों, जहाँ तमाम प्रत्याशियों के तमाम आरोप लगे हैं, चाहे बूथों की जाँच की गई हो। जगनेर और खेरागढ़ में एडिशनल कमिश्नर केशव चौधरी ने थाना खेरागढ़ और थाना जगनेर का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कई दिशा निर्देश दिए जिन पर पालन के साथ चुनाव को संपन्न कराया जाना है, और तमाम चीज़ें हैं। आगरा कमिश्नरेट के थाना जगनेर जो कि बॉर्डर का लास्ट गांव है, जहां राजस्थान की सीमा लगती है, राजस्थान की सीमा पे तमाम चीज़ें गतिविधियों को देखते हुए एडिशनल कमिश्नर आगरा ने मौके पर जाकर बॉर्डरों का निरीक्षण किया। निकाय उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में खड़े हैं। दरअसल आपको बताते हैं कि जिस तरह से नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर बिगुल बजा है, बिगुल बजने के बाद लगातार राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का विषय चला है। हर कोई अपनी पार्टी को वोट दिलाने के लिए एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए फील्ड में आ रहा है। दरअसल आपको बताते हैं कि जिस तरह से चाहे वो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो या कांग्रेस हो, सब लोग अपने अपने अंदाज में वोट मांग रहे हैं। इधर आपको बताते चले कि जनपद संभल में पिछले चेयरमैन आफशा जो शकील थे वो चेयरमैन बनी थी, और जिस पे दूसरे नंबर पर यहाँ पर यासीन सैफी उसके प्रत्याशी रहे थे। इसी तरह से अब फिर राजनीतिक गलियारों में, क्योंकि यहाँ समाजवादी के जो सदर विधायक इकबाल महमूद हैं वो अपनी पत्नी को रुखसाना को सामने लाए हैं। इसी तरह से शफीकुर्रहमान पर जो अपने निर्दलीय लाए, इस दोनों का रार आपस में आ रहा है। लेकिन इस बीच जो ताल ठोक रहे हैं बीएसपी के यहाँ के जो मेंबर शकील हैं, उनकी पुत्रवधू, उनके जो तस्कील है उसकी पत्नी सामने आई है। जिस तरह से बताया जा रहा है कि आजमा जो तस्कील है वो अपने वोटों के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं और लुभाने की बात कर रहे हैं। इधर दोनों का रार, चाहे वो समाजवादी पार्टी के सदर विधायक हो या यहाँ के सांसद, उन दोनों करार का फायदा उठाते हुए बीएसपी के जो यहाँ पर कैंडिडेट हैं वो अपनी ताल ठोकते हुए कह रहे हैं कि जीत हमारी पक्की होगी। फिलहाल जिस तरह से बताया जा रहा है कि जो यहाँ दलित वोट है और जो कुरैशी बिरादरी का वोट है, उसके अलावा जो छोटे तबके का वोट है वो उनसे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के जनपद संभल में खड़े हैं। दरअसल आपको बताते हैं कि जिस तरह से नगर पालिका चुनाव के मद्देनजर प्रथम चरण चुनाव नगर निकाय के चुनाव करीब है, जिसको लेकर सभी पार्टियां दमखम भरती हुई नजर दिखाई दे रही हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी भी दमखम भरती हुई नजर दिखाई दे रही है। श्रावस्ती जनपद में आज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह का आज आगमन हुआ। अपने प्रत्याशी के लिए उन्होंने जनसभा संबोधित की, और जनसभा में विपक्ष पार्टियों पर उन्होंने जमकर निशाना साधा और बताया बीजेपी को कि ट्रिपल इंजन और डबल इंजन से उनका पेट नहीं भरा, जिसको लेकर ट्रिपल इंजन की सरकार लोगों से मांग कर रहे हैं को लेकर। और वही राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी और कांग्रेस सपा ऐसी कई पार्टियों पर जमकर निशाना साधा, और अपने प्रत्याशी के लिए उन्होंने लोगों से अपील की कि भारी संख्या में 4 मई को उनको जिताए और वोट देकर, जिसको लेकर आज भिनगा नगर पालिका में उनका जनसभा संबोधित किया गया था। प्रथम चरण निकाय चुनाव में आजम खां की एंट्री हो चुकी है। आजम खान लगातार गरज रहे हैं और अपने सियासी जो उनके मुखालिफ हैं उन पर लगातार तीर चला रहे हैं। उन्होंने अपनी जनसभा में
अपने सियासी मुखालिफों के लिए जिस तरह से तीर छोड़े हैं उसकी चर्चा जोरों पर है। उन्होंने अपने राजनीतिक विपक्षी जो थे उनके लिए उन्होंने सियासी हिजड़ों तक का खिताब फरमाया। जिस तरह से उन्होंने अपने विपक्षियों पर वार किया है और सरकार को आड़े हाथों लिया है, उसको देखते हुए लगता है कि आजम खां आने वाले दिनों में अभी और आक्रामक होकर सरकार पर हमले करेंगे। हालांकि ये बताते चलें कि इन्हीं वजहों से आजम खां के ऊपर बहुत सारे मुकदमे हुए हैं, लेकिन मुकदमों के बावजूद वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। उनकी जो स्पीच है उसमें विवादित बयान ज़बरदस्त तरीके से सामने आ रहे हैं, लेकिन आजम खां हैं के मानने वाले नहीं, और वो लगातार अपने सियासी जो मुखालिफ हैं उन पे तीर चला रहे हैं और उनके ऊपर बड़े गंभीर आरोप लगा रहे हैं। तो नगर निकाय चुनाव में दूसरी तरफ निर्दलीय प्रत्याशी भी अपना जोर आजमाइश कर रहे हैं। नगर पंचायत सरपत नगर के अंदर निर्दलीय प्रत्याशी कौसर भैया ने विकास की गंगा बहाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि मुझे जीत दिला दो, मैं यहाँ विकास कराऊंगा। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव का चुनावी बिल्कुल पुक चुका है। नगर निकाय चुनाव को लेकर आगामी 11 मई को होने वाले मतदान के मद्देनजर प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। महोबा नगर पालिका परिषद से कांग्रेस प्रत्याशी गोरीलाल कुशवाहा ने प्रदेश उपाध्यक्ष जयवंत सिंह सहित सैकड़ों समर्थकों के साथ कार्यालय का उद्घाटन करते हुए अपनी जीत का दावा किया है। तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने डॉक्टर संतोष चौरसिया को अपना प्रत्याशी बनाया है। दोनों प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों के उत्साह और जोश को देख जीत का दावा कर रहे हैं। अभी तक के चुनावी रुझान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। फिलहाल यह तो आने वाली 13 मई को ही तय होगा कि महोबा चेयरमैन का सेहरा किसके बात करते हैं। सुल्तानपुर की जहाँ पर डिप्टी सीएम विजय पाठक के आगमन की तैयारियां जोरों पर हैं, यहाँ पर तिकुनिया पार्क में उनका कार्यक्रम होना है, जबकि सुल्तानपुर की धरती पर विजय पाठक जी पहुंच चुके हैं। कुछ ही क्षणों में वो तिकुनिया पार्क कार्यक्रम में पहुंचेंगे, जहाँ पर प्रवीण अग्रवाल जी के नगर निकाय के चुनाव में प्रचार करेंगे। लेकिन अभी तक अन्य पार्टी की बात की जाए तो सपा बसपा कांग्रेस से किसी भी स्टार प्रचारक को अभी तक प्रचार करते हुए नहीं देखा गया है। लेकिन इसके साथ ही भाजपा अपने इस प्रचार के अभियान को और तेजी की गति से पकड़ा रही है, जिससे कि वो नगर निकाय के इस जनरल भूमि को अच्छी तरह से भेज सके और भेद कर वो क्षेत्र से प्रत्याशी को। यूपी में 24 घंटे बिजली आपूर्ति को लेकर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने दो महत्वपूर्ण कदम उठा दिए हैं। हालांकि योगी सरकार ने वायदा किया था कि उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति होगी, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के लिए सबसे बड़ी चुनौती है कि लाइन लॉस को कम करना, बिजली चोरी को रोकना, जिसके लिए पावर कॉर्पोरेशन की तरफ से दो निर्देश चेयरमैन ने जारी किए हैं। पहला निर्देश यह है कि जो बीपीएल परिवार हैं उनको 10 रुपए में घर बैठे ही ऑनलाइन आवेदन के साथ बिजली का कनेक्शन मिलेगा, वहीं एपीएल परिवारों को 100 रुपए में बिजली का कनेक्शन लेना होगा। हालांकि उसके लिए शर्त है कि कहीं पर कोई बकाया नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ कहीं से डिफाल्टर ना हो। दूसरी बड़ी चीज यह है कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने अब ऐसे लोगों को जो कि बिजली चोरी की शिकायत करना चाहते हैं उनको बिना अपनी पहचान बताए, बिना अपना मोबाइल नंबर और नाम बताए, वो अपनी शिकायत उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की वेबसाइट पर कर सकते हैं। लखनऊ डीएम सूर्यपाल गंगवार ने एक आदेश जारी किया है। इस आदेश में लेकर टाइमिंग को लेकर के आदेश जारी किया है, यानी कि इस बात साफ है कि यूपी बोर्ड की जो क्लासेस हैं वो सुबह 7:30 से 12:30 बजे तक चलेंगी, वही 1 से 8 तक की क्लासेस। वहीं अगर कक्षा 12 की अगर बात करते हैं तो सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक कक्षाएं चलती नजर आएंगी। वहीं ICC और CBSE बोर्ड की जो क्लासेस हैं उसमें भी परिवर्तन किया गया है। साफ तौर पर गर्मी को देखते हुए परिवर्तन जो है वो किया जा रहा है। ऐसे में इस बार सुबह 7:30 बजे से 12:30 बजे तक क्लासेस चलेंगी। वहीं अगर बात करते हैं कक्षा 9 से कक्षा 12 तक की, तो वहाँ क्लास जो है 7:30 बजे से 2 बजे तक क्लासेस चलती नजर आएंगी। ऐसे में यह आदेश को जारी करते हुए इन्होंने कहा है कि सभी विद्यालय 1 मई से आदेश का पालन करें। उत्तराखंड में बदलता मौसम एक बहुत बड़ी समस्या बना हुआ है। जहां पर आप देख रहे हैं कि चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, वहीं इसी दौरान तेज बर्फबारी से जहां तीर्थयात्री परेशान हैं, वहीं इसके साथ ही सरकार और शासन के लिए भी एक बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आखिरकार क्यों ना हो, क्योंकि तीर्थयात्रियों को सही तरीके से यात्रा कराना ये सरकार और शासन की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिसको देखते हुए जिस तरह से तेज बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, उसको देखते हुए शासन और सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।
जी हाँ, इसी को ध्यान में रखते हुए अगर बात करते हैं मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह की, तो उनका कहना है कि जिस तरह से आप देख रहे हैं कि तेज बर्फबारी जारी है, उसको देखते हुए 29 अप्रैल यानी आज प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट जारी रहेगा। वहीं अगर बात करते हैं हम 30 अप्रैल से 3 मई तक, तो प्रदेश में येलो अलर्ट जारी रहेगा। आईपीएल 2023 के मैच नंबर 38 में लखनऊ सुपर जायंट्स ने पंजाब किंग्स के खिलाफ खेलते हुए आईपीएल इतिहास का दूसरा और आईपीएल 2023 का सबसे बड़ा स्कोर बना दिया है। बता दें, अपने निर्धारित 20 ओवरों में पहले बल्लेबाजी करते हुए लखनऊ की टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 257 रन बनाए, जो आईपीएल इतिहास का दूसरा सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। इससे पहले 2013 में आरसीबी ने पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ बल्लेबाजी करते हुए 263 बनाए थे, जो आईपीएल इतिहास का अब तक का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। और अब लखनऊ सुपर जायंट्स इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आ गई है। 257 का यह स्कोर आईपीएल 2023 का सर्वश्रेष्ठ। सरकार की मंशा है कि भ्रष्टाचार पर रोक लगे, लेकिन प्रशासन की मिलीभगत के चलते भ्रष्टाचार को रोकने में सरकार नाकाम साबित हो रही है। मामला बीएसए ऑफिस का है, जहां पर एक बाबू की नियुक्ति फर्जी बताई गई। काफ़ी लंबे समय संचालित होने के बाद, शिकायत होने के बाद, अभी उस मामले में अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यहाँ के डिप्टी ज्वाइंट डायरेक्टर जो अर्पित शर्मा जी से बातचीत की, तो उन्होंने कहा है कि मामला संज्ञान में जरूर है और जांच प्रचलित है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि बाबू पर क्या कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात। अमेठी में एक बार फिर गरजा बाबा का बुलडोजर। बाबा के बुलडोजर गरजने से भू माफियाओं में मचा हड़कंप। हम आपको बता दें कि ये पूरा मामला अमेठी थाना क्षेत्र के जंगल रामनगर के वालदा गाँव का है, जहाँ पर 3 अनुसूचित जात के पट्टे की जमीन पर दबंगों ने कब्जा किया था। लगातार पीड़ित प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा था, और वहीं एसडीएम ने जब इस मामले का संज्ञान लिया और संज्ञान लेने के बाद राजस्व कर्मियों के साथ, पुलिस फोर्स के साथ राजस्व कर्मी बालदा गांव पहुंचे, जहां पर भू माफियाओं ने 3 अनुसूचित जनजात के पट्टे की जमीन पर कब्जा किया था। बुलडोजर गांव पहुंचते ही गांव में हड़कंप मच गया। फिलहाल राजस्व टीम और पुलिस प्रशासन ने पूरे कब्जे को मुक्त करवा दिया और तीनों लोगों को जो है कब्जा दिलवा दिया। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि जिस तरह से भू माफिया लगातार लोगों की ज़मीनों पर कब्जा किए रहते हैं और पीड़ित लगातार न्याय की गुहार लगाता रहता है, ऐसे में इन भू माफियाओं पर एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि दोबारा ये भू माफिया कभी भी किसी की ज़मीन पर कब्जा करने का प्रयास ना करें। चित्रकूट के बहिलपुरवा थाना अंतर्गत टेढ़ीपुरवा मड़ैयन में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक ने दूसरे युवक पर धारदार फरसे से जानलेवा हमला किया है, जिस पर फाल्गुन नाम का युवक के गंभीर चोटें आई हैं। उसके पैर आधा कट गया है। परिजनों ने आनन फानन पर उसको मानिकपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया है। परिजनों ने गाँव के ही केसन के ऊपर आरोप लगाया है कि यह घात लगा करके बैठा था, और जैसे ही वहाँ उधर से फाल्गो आया है तो इसने धारदार फरसे से जानलेवा हमला कर दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपी को गिरफ्तार करने की तलाश पर जुटी हुई है। अब देखना यह होगा कि पुलिस कब तक आरोपी को गिरफ्तार करती है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे करती है। बीजेपी विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू ने खंड विकास अधिकारी बावन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। बीजेपी विधायक ने बताया है कि वीडियो रचना गुप्ता प्रधानों से अवैध वसूली करती हैं, आईडी जनरेट के नाम पर अवैध वसूली करती हैं। यही नहीं, और भी भ्रष्टाचार किए हैं, जिसकी शिकायत बीजेपी विधायक ने मुख्यमंत्री से की है। मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव ग्राम विकास को जांच के आदेश दिए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि जांच में क्या निकल कर सामने आता है। हाथरस के बागला जिला अस्पताल कैंपस में बने इस सरकारी डायलिसिस सेंटर में लाइट जाने के बाद जनरेटर नहीं है। जनरेटर न होने के कारण मरीजों को काफ़ी घंटों इंतजार करना पड़ता है। अगर बीच में लाइट चली जाए तो मरीज का जीवन राम भरोसे है। इस बारे में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। हालांकि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस बारे में कहा है कि वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है और जनरेटर की डिमांड की गई है, लेकिन सबसे बड़ा बात यही है कि मरीज का डायलिसिस चल रहा हो और बीच में लाइट चली जाए तो उसके जीवन को खतरा। हाथरस के कानपुर विकास प्राधिकरण
के वीसी अरविंद सिंह के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। जवाहर विद्या समिति योजना जो केडीए की थी उसके तहत आवंटन को लेकर धांधली का आरोप केडीए वीसी पर लगाया गया था, लेकिन कहीं पर सुनवाई न होने पर जिला वोक्का फोरम में उनके खिलाफ एक वाद दाखिल किया गया था। उस वाद की सुनवाई करते हुए कई बार केडीए वीसी को जिला वोक्का फोरम में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी हुआ, लेकिन हर बार वह नोटिस को अनदेखा कर वो एक बार भी जिला वोक्का फोरम पे उपस्थित नहीं हुए, जिसको लेकर के जिला वोक्का फोरम सख्त हुआ और एक गैर जमानती वारंट जारी करते हुए 27 मई 2023 को केडीए वीसी अरविंद सिंह को हाजिर होने के निर्देश जारी किए। साथ ही संबंधित थाने को भी एक लेटर जारी किया गया है कि वह अरविंद सिंह को जिला वोक्का फोरम में 27 मई को हाजिर कराएं। अब सवाल यह उठ रहा है कि लगातार आदेशों का अवहेलना करने वाले अरविंद सिंह क्या इस बार 27 मई को भी हाजिर होंगे, या पुलिस उन्हें जिस तरह गैर जमानती वारंट हुआ है उसके तहत क्या पुलिस अरविंद सिंह को जो केडीए वीसी है उनको वोक्का फोरम में हाजिर करते हैं या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। क्योंकि पिछले कई नोटिसों के बाद भी उन्होंने एक बार भी नोटिस का जवाब नहीं दिया, ना ही वो वोक्का फोरम में हाजिर हुए। फिलहाल 27 मई को हाजिर होते हैं या नहीं, उसके बाद क्या कार्रवाई होगी, यह एक बड़ा सवाल है। लेकिन केडीए पर जो भ्रष्टाचार व धांधली के जो आरोप लग रहे हैं वो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को देखते हुए सही साबित होते। कानपुर के नरवल तहसील परिसर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब तालाब में नहाने के दौरान 4 बच्चों की डूब जाने से मौत हो गई। आपको बताते चले कि पूरा मामला नरवल थाना क्षेत्र के नरवल तहसील परिसर का है, जहां पर नरवल तहसील में बने एक तालाब में 4 बच्चे नहाने के लिए पहुंचे थे। अचानक 4 बच्चे तालाब में डूब गए, जिसकी जानकारी जब स्थानीय लोगों और कर्मचारियों को लगी तो उन्होंने मामले की जानकारी पुलिस को दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों के माध्यम से 4 बच्चों के शवों को बाहर निकाला और कानपुर के हसीराम अस्पताल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नगर निकाय चुनाव की तारीख जिस तरह से नजदीक आ रही है, उसी तरह से प्रत्याशी अपने वोटरों को लुभाने के लिए अलग अलग उपाय कर रहे हैं। हरियाणा बॉर्डर नजदीक है, हरियाणा से लगातार शराब तस्करी के मामले सामने आए हैं। प्रत्याशी अपने वोटरों को लुभाने के लिए अलग अलग तरह के उपाय कर रहे हैं। दरअसल मैं आपको बता दूं, कल देर रात्रि बागपत पुलिस और शराब तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ बागपत कोतवाली क्षेत्र सरूपुर गांव के पास हुई है, जहां पर 2 शराब तस्करों के पैर में गोली चल लगी है, जिनका इलाज बागपत जिला अस्पताल में चल रहा है। बताया जा रहा है कि जो तस्कर हैं वे शराब तस्करी के लिए बागपत शराब ला रहे हैं। अब देखना है कि पुलिस उन पर क्या कार्रवाई करती है। नगर एयरपोर्ट में ऐसा हादसा देखने को मिला, जिसे देख कर लोग कह रहे हैं कि ई रिक्शा चालक की ऐसे मौत हो सकती है क्या। जी हां, आपको बताता चलूं, बिजनौर में ई रिक्शा सवार 5 सवारियों को भरकर नेशनल हाईवे से एयरपोर्ट जा रहा था, तभी अचानक ई रिक्शा का टायर फट गया, जिस कारण ई रिक्शा खाई में जा गिरी और ई रिक्शा चालक मोहम्मद की मौके पर मौत हो गई और 5 सवारी गंभीर रूप से घायल हो गई। आपको बताते चलें, मोहम्मद 6 महीने पहले सऊदी अरब से काम करके अपना शेयरकोट परिवार को पालने के लिए आया था और 6 महीने बाद वो रिक्शा चलानी जैसे ही उसने शुरू की थी, आज उसकी फिर रिक्शा चलाते समय मौत हो गई। यह हादसा देख लोगों में अलग अलग चर्चा का विषय बना हुआ है और परिवार इस हादसे को देख कोहराम मचा हुआ है और परिवार का कहना है कि पूरी ज़िंदगी मोहम्मद ने सऊदी में गुजार दी थी।